तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और तीन मुख्यमंत्रियों समेत विपक्ष के 13 प्रमुख नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से आग्रह किया है कि देश में सभी को कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाए। 13 नेताओं ने अपने साझा बयान में कहा है कि देश में कोरोना के जो हालात हैं उनके मद्देनजर जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन दिए जाने की जरूरत है। ऐसे में केंद्र सरकार पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम तुरंत शुरू करे और सभी को वैक्सीन दे। विपक्ष के 13 नेताओं ने केंद्र को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाई जाए। इस चीज की जो बात है वो उन्होंने पत्र में लिखते हुए अपील की है मोदी सरकार से कि पूरे देश में टीकाकरण अभियान जो है वो फ्री में होना चाहिए। जिस तरीके से देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है और 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो गया है, ऐसे में अब विपक्ष के 13 नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन जो टीकाकरण अभियान है उसकी जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसके साथ ही सभी लोगों को मुफ्त में टीकाकरण कराया जाए। विपक्षी नेताओं ने यह साझा बयान जारी किया है।